सैमसंग ने अपने साइड से एक नया फोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट, और इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है 23 अक्टूबर से, जो कि कल है, और आपको फ्लिपकार्ट और इनकी सैमसंग की वेबसाइट से मिल जाएगा। मैं आज आपको इस वीडियो में उसकी फुल स्पेसिफिकेशन और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, और इसको कंपेयर करूंगा इसी प्राइस रेंज के और दूसरे फोन के साथ। तो अगर आप इस फोन को लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा नाम है आकाश सिंह, आप लोगों का फिर से स्वागत है A3 Business में। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले ये बता देता हूं कि ऑन नेक्स्ट बिल्कुल डिट्टो कॉपी फोन है J7 प्राइम का, या आप उसे रीब्रांडेड फोन भी बोल सकते हैं J7 प्राइम का, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं और डिजाइन भी काफी सेम है। बट एक डिफरेंस यह है कि आपको ऑन नेक्स्ट में मेमोरी मिलती है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, और आपको J7 प्राइम में 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो यही डिफरेंस है, और प्राइस का ये डिफरेंस है कि आपको ऑन नेक्स्ट सस्ता मिलता है J7 प्राइम से। J7 अराउंड 18,790 का है और आपको ऑन नेक्स्ट मिलता है 18,490 रुपीज में, तो कमी में आप कम में आपको अच्छा मिल रहा है। तो सैमसंग ने एक चीज तो अच्छी करी। स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने की मिलती है, एक्सिनोस का 7870, 1.6 GHz की स्पीड पे आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, 3 GB रैम मिलती है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है जो कि एक्सपेंडेबल है 256 GB तक। इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है। फिर ये फोन ड्यूल सिम डिवाइस सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड मार्शमेलो के साथ आपको ये फोन मिलेगा। बैटरी आपको इसके अंदर 3300 mAh की मिलती है, और कंपनी की साइड से कोई कंफर्मेशन नहीं कि ये फास्ट चार्जिंग या क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है नहीं करता, बट मेरे हिसाब से ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता होगा। फिर इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है इसके होम बटन पे, तो वो होम बटन भी है और आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। कैमरे की जगह में आपको 13 MP का रियर कैमरा मिलता है और LED फ्लैश के साथ, और फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको 8 MP का मिलता है। दोनों ही जगह पे आपको 1.9 एपेचर मिलता है जो कि बहुत अच्छा एपेचर है। एपेचर का ये डिफरेंस होता है कि जितना लोअर एपेचर होगा उतनी ज्यादा आपका सेंसर लाइट गैदर कर पाएगा। तो अगर आप लो लाइट में फोटो खींचते हैं तो जितना एपेचर कम है तो उसका मतलब आपकी लो लाइट इमेज काफी अच्छी आएगी। तो ये चीज, क्योंकि आजकल जो भी कंपनीज हैं वो 2.0 या 2.2 या 2.4 ही देती हैं इस प्राइस रेंज में, बट सैमसंग हमेशा अपने कैमरों को अच्छा रखता है, तो कैमरे के डिपार्टमेंट में तो काफी अच्छा इनने अपने फोन में कैमरा दिया है। अब बात करते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है इस फोन को लेके। तो अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं जो कि कोई भी फोन ले सकता हूं, तो मेरे हिसाब से तो इस प्राइस रेंज में आपको इससे और अच्छा फोन मिल सकता है, जैसे कि आपको Z2 प्लस हो गया, उसके बाद आपको Ali Max 2 हो गया, ये दो फोन काफी अच्छे हैं। जैसे कि Ali Max 2 में आपको इससे अच्छा प्रोसेसर मिलता है, स्क्रीन मिलती है, रैम मिलती है, फिर आपको Z2 प्लस में भी आपको प्रोसेसर अच्छा मिलता है, डिस्प्ले में ज्यादा फर्क नहीं होगा और रैम में भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट आपको प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैं स्नैपड्रैगन 820 को एक्सिनोस के 7870 से कम नहीं बोल सकता। ऑब्वियसली बात है, स्नैपड्रैगन 820 लेटेस्ट प्रोसेसर में से आता है और काफी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर है, बट एक्सिनोस का 7870 भी काफी अच्छा प्रोसेसर है, ऊपर से 3 GB रैम के साथ, तो ये काफी अच्छी आपको परफॉर्मेंस भी देगा। क्योंकि आजकल की अभी जो कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो भी मार्केट में है, या गेम्स जो भी हैवी गेम्स हो गई, वो इतना आपसे मतलब आपका हैवी प्रोसेसर नहीं मांगती। ये कोई कंप्यूटर नहीं है जो आपको बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड या बहुत अच्छा प्रोसेसर, ये अभी जो फोन्स में सैमसंग अपने बजट स्मार्टफोन में भी जो प्रोसेसर और रैम जितनी दे रहा है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देती है। ऊपर से सैमसंग का प्लस पॉइंट ये है कि सैमसंग अपने फोन को काफी अच्छा ऑप्टिमाइज भी करता है, तो जो चाइनीज कंपनी कर सकती है अपने फोन को ऑप्टिमाइज, ऐसा नहीं कि चाइनीज कंपनी अपने फोन को ऑप्टिमाइज नहीं करती, चाइनीज कंपनी भी अपने फोन्स को ऑप्टिमाइज अच्छा करती है, बट सैमसंग स्टार्टिंग से आपको जब आप खरीदेंगे तो आपको काफी अच्छा ऑप्टिमाइज मिलता है, तो ये चीज काफी अच्छी है अगर आप कोई हैवी गेम भी खेलते हैं। स्क्रीन आपको 5.5 इंच की, और स्क्रीन के मामले में वैसे भी सैमसंग का काफी अच्छा नाम है, तो आपको क्वालिटी काफी अच्छी मिलेगी। बट अगर आप स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो आप Z2 प्लस के साथ भी जा सकते हैं, Ali Max 2 के साथ भी जा सकते हैं, अगर आपका 18,000 बजट है आप कोई और अच्छा फोन देख सकते हैं, तो वो मेरे फर्स्ट चॉइस रहेंगे वो दोनों फोन इस फोन से पहले। बट अगर आप लोग उन लोगों में से हैं जो सैमसंग के फोन ही यूज करते हैं, सैमसंग के फोन के अलावा कोई और फोन नहीं यूज करते, और आपको जैसे आपको आफ्टर सर्विस पे भी डिपेंड रहना है और आपको ट्रस्ट है एक तरह से सैमसंग के ऊपर, तो आप प्लीज, हाँ आप इस फोन के साथ जा सकते हैं, काफी अच्छा फोन है। ऊपर से आपको अपने ये प्रीवियस फोन से ही सस्ता फोन दे रहे हैं अच्छे स्पेसिफिकेशन का, तो मैं तो खुश हूं इस फोन को देख के, क्योंकि सैमसंग ने काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन भी दी, कैमरा काफी अच्छा दिया है, तो आप लोग जा सकते हैं इस फोन के साथ। बट मैं आपको एडवाइस करूंगी एक बार सोच के देखिए, अगर आप सैमसंग भी यूज करते हैं तो एक बार आप Z2 प्लस के भी रिव्यूज पढ़ सकते हैं, Ali Max के भी एक बार फोन देख सकते हैं सब कुछ। ऊपर से एक चीज ये है कि Z2 प्लस और Ali Max 2 में आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, अभी दिवाली चल रही, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो आपको 1000-2000 डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं
बट सैमसंग का गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट तो बिल्कुल न्यू फोन है, तो इस पे तो आप सोचना कि नहीं कि इस पे आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरी साइड से तो आप ले सकते हैं अगर आपको लेना है ये फोन तो। तो मेरी आज इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो सजेशन मेरे को बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।